चलिए तो अब हम समझना शुरू करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप बिल्कुल ऐसा ही मानिए कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। कहने को ये है कि ये एक रिवीजन है, पर ये रिवीजन नहीं, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही है। आप इसे रिवीजन मानना ही मत, आप यही मानो कि आपने आज तक इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो दैट एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, है ना। और अब हम शुरू करते हैं, और जरूरी नहीं है कि पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज ही खत्म होगा, जरूरी पड़ेगा तो अगले संडे फिर मिलेंगे, लेकिन मोस्टली हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी। आइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा कि ये एक पीस ऑफ पेपर होता है जो एंटाइटल करता है एक पर्सन को कि उसे उस पेपर, ओ अंकल इधर, हाँ कहाँ तुम भी लगे हो बात करने, डांट खाने वाले भी काम नहीं करते हो, लड़के लड़के आपस में बात कर रहे हैं, लड़कियों से बात करें तो मैं डांटू भी। चलिए, इट इज अ पीस ऑफ पेपर विच एंटाइटल्स अ पर्सन टू अ सम ऑफ मनी मेंशनड इन इट एंड विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हम कागज का एक ऐसा टुकड़ा जानते हैं जिस कागज के टुकड़े पर अगर जो सम लिखा हुआ है, वो सम, वो कागज का टुकड़ा जिसके पास है, उसको इस बात का अधिकार देता है कि उसे पैसे मिले। यानी कागज का एक टुकड़ा जिस पर जितना पैसा लिखा हुआ है वो पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे उस पेपर पे पैसा पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा पेपर है जिसे कोई भी कभी भी ट्रांसफरेबल करें, ऐसा तो पेपर एक ही है, वो है हमारा करेंसी नोट। करेंसी नोट अगर आप उठाकर देखते हो तो उसमें लिखा होता है मैं धारक को 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, नहीं 1,000, 5,000 के, 5,000 के तो नोट नहीं आते, जब आएंगे तब आएगी बात आएगी। मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ, 20 रुपये देने का वचन देता हूँ, 50 रुपये देने का वचन देता हूँ, 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, 2,000 देने का वचन देता हूँ, लिखा हुआ था, और नीचे साइन होते हैं गवर्नर ऑफ RBI, वो भी एक कागज का टुकड़ा है, वो भी जिसके पास होगा उसे उतना मूल्य मिलेगा, हेलो, और वो भी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन वो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्ट की डेफिनेशन से अलग है। ये फाइल ग्रुप पर मिल जाएगी क्या? पूरा जमाना इस फाइल से पढ़ रहा है एक तेरे को छोड़ के, कभी कभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ जाया करो, जमाने के ज्वाइन कर रखे। नाउ इट इज अ पीस ऑफ पेपर which entitles a person to a sum of money mentioned in it, which is freely transferable from one person to another, and is freely transferability को ही क्या कहते हैं? Negotiation. Free transferability को ही क्या कहते हैं? Negotiation. Hello. And that is called negotiation. अब नेगोशिएशन कैसे होता है? तो नेगोशिएशन दो तरीके से होता है, या तो बाय मियर डिलीवरी कि मैंने ये कागज का टुकड़ा आपको दे दिया तो वो आपका हो गया, हेलो, या फिर मेरे पास मेरे नाम में लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट था, मैंने आपके नाम में उसे ट्रांसफर करके आपको दे दिया, जिसे कहते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। फिर से समझेंगे हमने अब तक क्या समझा। एक
कागज का टुकड़ा जिस पर यह लिखा है कि कोई व्यक्ति इसमें लिखे हुए अमाउंट को पाने का हकदार है, और वो कागज का टुकड़ा ट्रांसफर हो जाएगा किसी और को, यानी वो अधिकार जो इस बंदे के पास है वो अधिकार एज इट इज चले जाएंगे किसी और बंदे के पास। हेलो, अब वो जाएंगे कैसे? या तो फिजिकल डिलीवरी से चले जाएंगे, मतलब या तो डिलीवरी से चले जाएंगे, फिजिकल भी छोड़ो अभी, तो डिलीवरी से चले जाएंगे। और डिलीवरी से नहीं गए तो मैं उसके ऊपर लिख दूं और एंडोर्स कर दूं तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम उसे कहते हैं इट इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट और ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। डिलीवरी तो करना ही पड़ेगी। अब ये दो चीज क्यों रखी आपने, एंडोर्समेंट एंड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दो चीजें क्यों रखी? क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अभी आते हैं, पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन तो पढ़ ले भैया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन साफ तौर पर सेक्शन 13 में दी हुई है, लेकिन उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं ये नहीं बताया। उन्होंने बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब क्या होते हैं ये तो लॉ में है ही नहीं। सीधे डेफिनेशन है सेक्शन 13 की, और सेक्शन 13 की डेफिनेशन कहती हुई नजर आती है दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट एक, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो, और तीसरा चेक पेबल। चेक पेबल तो सीधे सीधी सी बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस थ्री थिंग्स, पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक। लेकिन उसके आगे की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट है, पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन चीजें हैं जिन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, तीन कागज के टुकड़े हैं जिन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। पहला कागज का टुकड़ा है प्रॉमिसरी नोट, दूसरा कागज का टुकड़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा कागज का टुकड़ा है चेक। और ये तीनों कागज के टुकड़े या तो बेरर को पेबल होते हैं या ऑर्डर पर पेबल होते हैं। एक लिखा है बेरर और एक लिखा है ऑर्डर, यानी हमारी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, कौन सी सेक्शन है? 13। सेक्शन 13 कहती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स की मींस, मींस की इंक्लूड। और जब किसी डेफिनेशन में क्या लिख दिया जाता है मींस, तो वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव मतलब उसके अलावा कोई और अर्थ उसका हो नहीं सकता। क्या अपन बोलें कि ये और जैसे अन्य चीजें ना, जैसी अन्य चीजें बिल्कुल नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो अपन लिखते हैं गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स मींस, मींस तो वहां भी है लेकिन उसके बाद इंक्लूड भी आ जाता है, इंक्लूड्स दिस 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 एंड एवरीथिंग अटैच टू लैंड एंड ऑल, तो फिर वो इंक्लूसिव डेफिनेशन हो जाती है। ये बिल्कुल एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। हेलो, सो व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट इज वेरी क्लियर, इसमें तीन चीजें होती हैं, पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक, आइदर पेबल और टू बेरर। इज दैट क्लियर? समझते हैं कि साला ये है क्या, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। आइए तो पहले उठाते हैं कि भैया प्रॉमिसरी नोट किसको कहते हो, बेरर और ऑर्डर तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो बताओ कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। एवरीवन, गुड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिसरी नोट? सर, प्रॉमिसरी नोट क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अगेन बोला इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है पीस ऑफ पेपर।
विच कंटेन्स एनी राइट्स और ऑब्लिगेशन। ऐसा पीस ऑफ पेपर जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में अंतर है। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। एवरी पीस ऑफ पेपर इज नॉट इंस्ट्रूमेंट बट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ पीस ऑफ, दैट्स इट। पीस ऑफ पेपर के अलावा आजकल अपन इमेज चेक और ट्रंकेट चेक और वो भी बात कर लेते हैं, बट है तो बेसिकली वही। तो भाई साहब, प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो भी इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, वो भी कैसा चाहिए? राइटिंग में चाहिए, दैट टू इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, अपनी जेब में पड़े हुए पैसे को छोड़कर। इज दैट क्लियर? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जिसमें बिना शर्त एक अनकंडीशनल वचन होता है, अंडरटेकिंग होती है, शपथ होती है, जिसे बनाने वाला साइन करता है। और अंडरटेकिंग क्या होती है कि पे करूंगा क्या, सर्टेन सम, काहे का, मनी का, किसको, ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। क्या ये जो पहली बार पढ़ रहे उनके लिए वेलकम है जी, और जो पहली बार पढ़ रहे उन्हें यह समझ में आ गया होगा कि इतना संडे को दिन में दिन 3 घंटे तपाने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये लॉ का वो अध्याय है जो आपको आपकी सफलता का अध्याय लिखने से रोक सकता है। इसलिए इसके इतने रिवीजन करवा दूंगा कि आप एग्जाम में जाके सबसे पहले इसको करोगे, बोले सबसे ज्यादा साला इसको पढ़ा है, और ये आएगा 15 से 20 नंबर का प्रॉब्लम वो है। और अगर ये कच्चा रह गया तो समझ लेना स्टेटिस्टिक्स किया लॉजिकल रीजनिंग के बराबर का एक सब्जेक्ट जो है अपना कच्चा रह गया। इसलिए बहुत क्लियरली अभी एक रिवीजन करा रहा हूं, एक बार फिर 3 घंटे बिठाऊंगा, और एक बार सिर्फ इसलिए बिठाऊंगा कि आपको कम से कम 50-60 सवाल लगवा सकूं, तब जाके ये 15-20 नंबर कहीं दिमाग में थोड़े बहुत फिट होंगे, क्योंकि इसको जितना आसान करके पढ़ाया जा सकता है उतना ही डिफिकल्ट बनाया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम। अगर मैंने इसको आपको पढ़ा दिया एकदम आसानी से और आपको एकदम मक्खन सरी का समझ में आ गया तो फिर मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे तो एक एक शब्द का क्या है, अर्थ है, मैं बढ़ ही नहीं पाते हैं। आगे आप पूछो जिन लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की क्लास लिखी है, अब आप देखो मैंने कितनी चीजें अंडरलाइन कर दी, उल्टा करना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट नहीं हो उसको अंडरलाइन कर दूं। अब डेफिनेशन देख लो आप, क्या खतरनाक डेफिनेशन है। प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक मिनट, पहले तो उसका नाम ही गजब है, प्रॉमिसरी नोट, यानी एक ऐसा नोट जिसमें वचन दिया गया है। हेलो, प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट परिवार का पहला सदस्य है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के परिवार में 3 सदस्य हैं, एक है प्रॉमिसरी नोट, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक है चेक। हम किस पर हैं? प्रॉमिसरी नोट पे। और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है तो हमने कहा भाई साहब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बट ऑब्वियस है कि इंस्ट्रूमेंट है। भाई साहब ये राइटिंग में भी बहुत बढ़िया राइटिंग में है। क्या लिखा है इसमें? ये अंडरटेकिंग दे रहा है भाई साहब। क्या अंडरटेकिंग दे रहा है? कि ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दे रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट के बेरर को या इस इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा है उसको या इस इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा है उसके आदेश पे किसी को उतना सम देंगे जो इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा है। हैं? ऐसे होता है। तो जो
रविजीत सर के साथ बात कर रहे थे कि पहली बार 3 घंटे वो आपको यहाँ सेंसिटाइजेशन देने के लिए बुलाया, ताकि दूसरी बार पढ़ाऊँ तो समझ में आए कि कुछ पढ़ाया जा रहा है ना। हाँ, नहीं तो फिर ऐसे ही बेरा होगे। सो व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले पढ़ा, ये एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें किसी बंदे को कुछ सम देने की बात की होती है, और ये ट्रांसफरेबल होता है या तो फिजिकल डिलीवरी से या एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। हमको नहीं पल्ले पड़ा कि एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी क्या होता है, ना हमको पड़ा पल्ले पड़ा कि डिलीवरी क्या होता है। आप तो पहले ये बताओ साला ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। तो मैंने कहा साहब प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, उसके अंदर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जिसे साइन किया है उसके मेकर ने कि वो पे करेगा सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। गुड, ये तो हुआ कौन, प्रॉमिसरी नोट। अभी अपन ने से प्रॉमिसरी नोट पढ़ा है, एक बंदा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर राइटिंग में लिखा हुआ है अनकंडीशनल प्रॉमिस है जिसे साइन किया है मेकर ने कि वो खुद पे करेगा सर्टेन सम। यहां पे आदमी खुद पे कर रहा है, खुद पे करने का क्या दे रहा है, वचन दे रहा है। तो आओ जरा रिवीजन कर लें और फटाफट अपना पॉइंट क्लियर करें। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो वो बात करें। ए रिवीजन में भी लिखाएगा क्या, बिल्कुल, ये तो गलत बात है। शट अप, टाल ने थोड़ी बुलाया तुमको, मेहनत करने बुलाया है नालायक को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, दो चीजों से मिलके बना है, कौन कौन, नेगोशिएबल और नेगोशिएबल का मतलब रियली, मैं तो कॉपी नहीं लाया रिवीजन, काय में लिखूं, तेरे हाथ पे लिख ले हेल। नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा फ्रीली ट्रांसफरेबल। तुम क्या सोच के आए थे, मैं तुमको फटाफट पढ़ा कैसे भगा दूंगा, ऐसे हो गया हो गया, रिवीजन स्लाइड दिखा दो, दो चार पांच चित्र दिखा दो, ये करके वे भगा दो। लिख ही नहीं पाओगे नालायकों, लिखना सिखाने के लिए मेरे साथ 3 बार लिखना पड़ेगा इसको। फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, नहीं सॉरी अभी यहां अनकंडीशनल मत लिखो, कंटेनिंग राइट्स और ऑब्लिगेशन फॉर अ सम ऑफ मनी, खत्म। अच्छा सेक्शन 13 क्या कहती है बंधु, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? अरे ऐसा नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स है कि इंक्लूड्स है, मीन्स पहला कौन, रुको एक मिनट, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी 6 बजे के पहले नहीं छोड़ेगा। तो तुम क्या सोच के आए थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस 5 बजे तक तो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया था, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस कितनी चीजें हुई, 3। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हिसाब से देख लो, बिल ऑफ एक्सचेंज है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, और क्या है, चेक। अब ये कौन सी सेक्शन में दी हुई है, अरे ये तो 4 में दी हुई है, और ये अद्भुत, और ये ओहो, अब लग रहा है कि रिवीजन हो रहा है, याद तो आया आपको,
मतलब जो चीज आपको नहीं समझ में आती वो भी आपको याद रहती है। हाँ, इस बात से तो यही सिद्ध हुआ। चलिए, प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या? अरे कैरेट, तुम यहां भी ढीले पने करोगे, मतलब रिवीजन में भी ढीले। अपनी अपनी कॉपी में लिखो, एक एक बार लिखो, बेबियों पे ध्यान मत दो, वो अपना काम बड़ी साफ सफाई से कर रही है। तुम तो तुम्हारे कचरा काम कर लो, काट काट के लिखने का। मैं तो पेन ही नहीं लाया, मैं तो कॉपी नहीं लाया, मैंने सोचा रिवीजन था। तो भैया क्या यहाँ पे मतलब कोई कथा हो रही थी क्या बापू की, कि सुनेंगे और चले जाएंगे हैं? नहीं, मैं वो भी कर सकता हूँ, एक आध दिन वो भी कर दूंगा तुम लोगों के लिए, भगवद गीता पे कथा कर दूंगा, 3-1 घंटे बैठा के तुम्हारा जीवन संवार दूंगा, वो बात अलग है, वो तो मेरा धर्म है, ये तो मेरा कर्म है। चलो, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कितनी चीजें हुई, तीन। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा, तीसरा, वेरी गुड। सर ये आप अपलोड करोगे, ऐसे लाड़ प्यार नाट्य अकेडमी में बिल्कुल नहीं चलते। कॉपी में तेरे को ही लिखना पड़ेगा। तिवारी तू सोचे कि मैं यहां लिख दूं और फिर इसको अपलोड कर दूं और तू मजे करे, ये तो होता ही नहीं है। मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपसे भी करवाऊंगा, कोई ऐप पे अपलोड नहीं होता। नाउ यहीं लिखो। अरे यार आपको मालूम नहीं, मैं किसी शादी ब्याह में उलझा हुआ हूं, आपको खाली देख ही पा रहा हूं, तो एक ही काम कर, उधर ही देख। नाउ प्रॉमिसरी नोट क्या है, क्या था भैया ये? इट इज एन, एक मिनट रुको, क्या है इंस्ट्रूमेंट है, कैसा? इन राइटिंग। इसमें क्या है? कंटेनिंग अनकंडीशनल क्या? अंडरटेकिंग। किस बात की अंडरटेकिंग अनकंडीशनल? हाँ, अंडरटेकिंग साइंड बाय मेकर, किस लिए भैया? फॉर अ सर्टेन क्या? सम ऑफ मनी पेबल टू, बताओ भैया कौन कौन? पेबल ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ और टू द बेरर और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। हे भगवान, ये क्या है? इसी को तो कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। मैं एक कागज के टुकड़े पे लिख दूं इंदौर, दिनांक 17 मार्च 2024, मैं असीम त्रिवेदी धारक को मतलब, अरे धारक को मतलब बेरर बावले लोगों, मैं अगर लिख दूं, मैं असीम त्रिवेदी धारक को 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं, नीचे साइन, तो उसे क्या कहेंगे? बेरर प्रॉमिसरी नोट, जो इशू करना आरबीआई ने मना कर रखा है अब। हेलो, ओके। या मैं लिख दूं कि इंदौर 17 मार्च 2024, मैं असीम त्रिवेदी लक्ष्य कुमार को, कहाँ गया, हाँ लक्ष्य कुमार को 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं, तो ये हो गया लक्ष्य कुमार को 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं। और मैं आगे लगा दूं सिर्फ लक्ष्य कुमार को 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं, तो सिर्फ लक्ष्य कुमार हो जाएगा फिर वो। हेलो, उसके बाद अगर मैंने कह दिया कि मैं लक्ष्य कुमार को या उसके आदेश पे किसी व्यक्ति को वचन देता हूं,
तो वो हो जाएगा पेबल टू ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, मैं लक्ष्य कुमार या उनके आदेश पर किसी को 50,000 देने का वचन देता हूं, तो उसे क्या कहा जाएगा? हाँ, अब देखो, अगर आपने बोला लक्ष्य कुमार को 50,000 देता हूं, तो फिर मेरे पास कौन आ सकता है 50,000 रुपए लेने? सिर्फ लक्ष्य ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता है। अगर मैंने कह दिया मैं लक्ष्य को या उसके आदेश पर किसी को भी 50,000 देना चाहता हूं, लक्ष्य ने उसके आदेश में उसके पड़ोसी अभिराज का नाम लिख दिया कि असीम सर अभिराज को 50,000 रुपए दें, तो मैं अभिराज को 50,000 रुपए दे दूंगा। या लक्ष्य ने क्या किया, लक्ष्य ने आदेश दे दिया कि धारक को 50,000 दे देना, जो भी ये लेके आए उसे 50,000 दे देना, तो जो भी ये लेके आए उसे 50,000 दे देना का मतलब क्या हो गया? वो हो गया बेरर। हेलो, सामान्यतः कोई भी प्रॉमिसरी नोट सीधा बेरर नहीं बनाया जा सकता, बाद में देखेंगे कि बाद में अपन बेरर बना सकते हैं कि नहीं, बाकी सीधा बेरर तो नहीं दे सकते। एक मिनट, प्रॉमिसरी नोट समझ में आया? क्या है प्रॉमिसरी नोट? एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द, रुको, बनाया किसने है? मेकर ने, टू अ सर्टन सम ऑफ मनी पेबल ओनली टू, ये लोग कौन हो गए? पे, यहां कितनी पार्टियां हो गई? एक, और ये दो। एक हुआ कौन? मेकर। एक हुआ कौन? मेकर कौन? जिसने प्रॉमिसरी नोट बना के साइन किया, वो कौन? और पे कौन? जिसका नाम उस पे लिखा हुआ है, वो कौन हो गया? पे। कितनी पार्टियां हुई? दो। अब वो आपसे पूछते हैं कि प्रॉमिसरी नोट जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो मैं बोलूंगा भाई साहब प्रॉमिसरी नोट की सीधी सीधी कैरेक्टरिस्टिक है, पहला वो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, तीसरा साइंड होना चाहिए, चौथा सर्टेन सम होना चाहिए, 50,000। ऐसा नहीं कि 50,000 या 40,000 या 30,000, जैसा भी संभव हो 50,000, और मनी ही होना चाहिए, 50 बोरी गेहूं नहीं चाहिए। हेलो, निश्चित सम ऑफ मनी होना चाहिए, इज दैट क्लियर? पेबल टू अ पर्सन, पे कोई भी हो सकता है। हेलो, तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक हो गई भाई साहब? एक, दो, तीन, चार, पांच, और छठा पे, सर्टन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन, अनिश्चित आदमी नहीं चाहिए, आदमी भी निश्चित चाहिए। इज दैट क्लियर? याद रखना, एक दिन और बिठाऊंगा, एक से डेढ़ घंटा, तब सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको ये सब चीजें ध्यान आनी चाहिए। आज अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब सेक्शन 4 हमने कंप्लीट कर ली कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है और प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं। अब आती है बात कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दूसरा बंदा कौन? तो सर दूसरा बंदा है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब आते हैं हम कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की सेक्शन कौन सी है बंधु? सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमसे क्या कह रही है? सेक्शन 5 कह रही है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो तो वहां भी था बाबू, ये तो वहां भी था राइटिंग, वहां भी था, हेलो, अनकंडीशनल तो वहां भी था, लेकिन वहां पर अंडरटेकिंग था, यहां पर ऑर्डर है, यहां ऑर्डर है भाई साहब।
साइन वहां भी था यहां भी है, मेकर वहां भी था यहां भी है, डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। ओहो, ये एक नया आइटम आ गया यहां पे, ये वहां नहीं था। ओनली टू आर द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन ऑफ द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये तो वहां भी था। अरे यार, ये बात तो वहां भी थी, नई बात यहां क्या आ गई। एक तो ये ऑर्डर है, एक आदमी दूसरे आदमी को ऑर्डर दे रहा है कि तीसरे आदमी को या उसके आदेश पर या बेरर को पैसे दे दो। बाबू, एक आदमी दूसरे आदमी को ऑर्डर दे रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है कि तीसरे आदमी को या उसके आदेश पर या बेरर को इतने पैसे दे देना, उसे क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के अंदर अंतर क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, तो वहां भी था, इन राइटिंग तो यहां भी है। साइंड बाय द मेकर वहां भी था, कंटेनिंग यहां पे क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर है भाई साहब। ऑर्डर किसको है, डायरेक्टिंग अ पर्सन है कि सर्टेन पर्सन है, सर्टेन पर्सन है टू पे क्या, सर्टेन सम ऑफ मनी किसको, ओनली टू एक और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर। फिर से वो की वो ही डेफिनेशन आ गई बाबू, अंतर करना सीखना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, साइंड है, अनकंडीशनल ऑर्डर है सर्टन पर्सन को कि पे करो सर्टन सम ऑफ मनी किसी को, किसी के आदेश पर या जो लेकर आए उसे, किसी को किसी के आदेश पर या जो लेकर आए उसे दे दो, उसे क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टियां हो गई बाबू, तीन। एक हुआ मेकर, जिसे हम कहते हैं यहां पर मेकर का नाम होता है क्या, ड्रॉवर, ये एक पार्टी हुई। फिर आते हैं डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन, जिसको आदेश दिया जाता है वो कहलाता है एक्सेप्टर या ड्रॉई। पहले तो ड्रॉई कहलाता है, ड्रॉई जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टर। और ये बंदा तो हमेशा ही कौन है बेचारा, बाबू यहां कितने लोग, तीन। वहां कितने लोग, या वहां पे क्या था, स्वयं का प्रॉमिस, यहां पे क्या है, ऑर्डर। बेसिक डिफरेंस किस में, प्रॉमिसरी नोट और, हेलो आगे बढ़ू, गुड।
चेक क्या है? और चेक तो गजब चीज है। इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओहो, ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंक। बैंकर डायरेक्टिंग टू पे। सर्टेन पर्सन और ऑन हिज ऑर्डर और टू द बेरर। क्या सर्टेन सम ऑफ मनी सेम? तीसरी डेफिनेशन तो याद ही नहीं करनी पड़ी, यहीं से बन गई। और कुछ छूट गया क्या उसमें? सर उसमें आपने नहीं लिखा राइटिंग ये वो। अबे जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया तो अब बाकी क्या लिखना बचा? पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी तो आ गई डेफिनेशन अंदर ही। जितने गुण बिल ऑफ एक्सचेंज के हैं उतने ही गुण किसके हैं? चेक के। फर्क इतना है कि चेक में ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा। मैं अगर अपने बैंक को डायरेक्शन दूंगा तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज चेक बन जाएगा। अरे बंधु, अगर मैं अपने बैंक को आदेश दूंगा तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाएगा? चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में एक बेसिक डिफरेंस है कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी व्यक्ति को आदेश होता है, लेकिन चेक जो है वो सिर्फ बैंकर को आदेश होता है। दूसरी बात, बिल ऑफ एक्सचेंज में जब तक जिसके ऊपर मैंने आदेश दिया उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज इफेक्ट में आता ही नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा ही नहीं जब तक उसे कौन एक्सेप्ट ना करे? ड्रॉई। लेकिन चेक बुक तो पहले से ही एक्सेप्टेड बुक होती है बैंक के द्वारा, इसलिए वहां पर एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कहां पर? चेक में। चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। एवरीवन, अब आप देखो जरा यहां पर एक एनालिसिस। सभी लोग सीधा सा एनालिसिस है कि एक है प्रॉमिसरी नोट, एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक है चेक। सबसे पहली बात, क्या तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं? हेलो, क्या तीनों राइटिंग में हैं? हेलो, अच्छा, क्या तीनों साइंड हैं? क्या तीनों में, एक मिनट, प्रॉमिस किस में, प्रॉमिस टू पे किस में? ऑर्डर टू पे किस में? क्या मेकर और पे कहां कहां हो सकता है? पे तो हर जगह हो सकता है। और यहां पर क्या होता है? ड्रॉवर। और यहां भी क्या होता है? ड्रॉवर। और यहां पे तो होता ही है। क्या एक ड्रॉई होता है? यहां ड्रॉई नहीं होता, यहां दोनों जगह ड्रॉई होता है। सर्टेन सम होता है क्या? सभी दूर सर्टेन सम होता है क्या? जो मेकर पेई और ड्रॉई है इन तीनों का सर्टेन होना जरूरी है? हाँ, इन तीनों का सर्टेन होना भी जरूरी है। हेलो, तो अब आप देखो तो आपने तो तीनों की खूबियां पढ़ डाली।
अब आप अगर बोलो कि मैं अलग से याद करूंगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो तुमसे बड़ा पागल दुनिया में दूसरा कोई है नहीं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो गर्दन हिला रहे हैं, तो कम से कम दूसरी तीसरी बार पढ़ने वाले तो गर्दन हिला ही सकते हैं। बोलो बाबू। अच्छा, अरे कितनी खूबियां हो गई, एक दो तीन चार पाँच छ, नहीं 6 7 8 9, और कोई खूबी बची क्या? डेटेड होना चाहिए। हाँ, डेटेड तो तीनों होना चाहिए। ऑन ऑर्डर तीनों हो सकते हैं, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड ये और ये तो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, बेरर ये और सॉरी ये नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं। अरे क्या करा ये हमको, बिना पढ़ाए लिख दिया यहां पर लाल लाल। रुको 2 मिनट, मैंने ये कहा था कि ऐसे पढ़ना जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूं, है ना? ये नहीं बोला था कि ऐसे पढ़ने बैठना जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, बोला था क्या? हाँ, मैंने ऐसा बोला था, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, तो अब जरा जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझें। अरे भाई साहब, स्टैम्प्ड तो रह गया, तीनों में नहीं दोनों में। ये कहां स्टैम्प होता है? चेक पे लगा के देखा क्या कभी रसीदी टिकट? पगले लोग, रुको 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 रुको, ये तो 11 अंतर हो गए, इतने तो हमारे मॉड्यूल में नहीं दिए। बस यही तो अंतर है मॉड्यूल में और मेरे में, इसलिए तो तुमने पैसे दिए जो कभी वापस नहीं होंगे। हेलो, खाली वही पढ़ाता होता तो वापस कर देता। अब आप आगे आओ, सुनो 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 सुनो, ये 5 में तो जो मेरे नए बच्चे हो बहरा गए कि ये क्या लिख दिया। हाँ, तो नए बच्चों, पुराने बच्चों की को देखना तुम कैसा याद आता है इनको। देखो, प्रॉमिस क्या कर रहा है? ब्याह करेगा ना जीवन में कि नहीं करेगा? फोटो खींचे जा रहा है यार तू। नाउ लिख लो ना, तुमको मना किया क्या लिखने का मैंने? अरे टाइम तो लगेगा ही यार, देखो सीए बनने में हर काम में ही टाइम लगता भाई। चलिए, तो जिसको जल्दीबाजी हो उसको तो सीए करना ही नहीं चाहिए, सीए तो वैसे ही टाइम टेकिंग। आइए, आप जरा 1 मिनट समझ लेते हैं, नए बच्चे जरा समझो, सब लोग इधर ध्यान दो, बाकियों को टिपने दो, तुम इधर ध्यान दो, इन पुरानों को टिपने दो। क्या हर डॉक्यूमेंट पर डेट होनी चाहिए? हाँ, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा था प्रॉमिसरी नोट, किस प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर पर भी हो सकता है, मतलब मैं पेमेंट ऑर्डर पर भी हो सकता है, मतलब मैं कहूं कि मैं असीम त्रिवेदी तुमको या तुम्हारे आदेश पर किसी को पेमेंट कर दूंगा, तो तुम्हारे आदेश पर मतलब क्या होता है? ऑर्डर पर। तो प्रॉमिसरी नोट भी ऑर्डर पर हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी ऑर्डर पर हो सकता है, और चेक में भी ऑर्डर हो सकता है। मैं चेक लिख के दे सकता हूं, क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। हाँ, मैं लिख सकता हूं चेक पे कि प्लीज पे प्रियांशु और ऑन हिज ऑर्डर। चेक देखना कभी घर पे जाएगी चेक बुक में, वहां लिखा होता है पे टू, फिर लिखा रहता है नाम, नाम लिख दो, या उसके लिखा रहता है और ऑन हिज ऑर्डर। और ऑन हिज ऑर्डर मतलब अगर चेक के पीछे तुम किसी और का नाम लिख के दे दोगे तो फिर उसको देना पड़ेगा। और इस तरीके से तुम्हारे नाम की जगह तुम आदेश दे दो कि किसी और का नाम लिख दो, उसको एंडोर्समेंट कहते हैं। एंडोर्समेंट मतलब प्रष्ठांकन, प्रष्ठांकन मतलब पीठ पे अंकन, मतलब राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज व्हाट?
endorsement. You are writing on a back of instrument and signing it. It is known as what? Endorsement. तो by this way check get endorsed. तो check में भी होता है, bill of exchange में भी होता है. Bill of exchange में तो आपको मित्तल सर ने कितनी बार पढ़ाया endorsement, endorsement. हाँ, और इसी तरीके से promissory note में भी क्या होता है? Endorsement होता है. Okay, तो on order भी हो सकता है. अब इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं. एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट. डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब मैं जब आकर खड़ा हो जाऊं तब पेमेंट करना पड़ेगा. अपन जैसे सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक अपने से वादा करके रखते हैं कि तुम जब बोलोगे तब आ जाऊंगा, तब तुम पैसे लेने आ जाना, जब खड़े हो गए तब तुमको पैसे दे दिए जाएंगे. हेलो, क्या हुआ, तुम तो अभी से ले आए? हाँ, भूख लग गई होगी बच्चों को, चलो ठीक है दे दो. कुछ नहीं है, ऐसे ही प्रसाद है ना, कथा होगी तो बटे गई. चलो, तो ऑन ऑर्डर. अभी एक मिनट भुवनेश, दो मिनट रुक जा, मैं ब्रेक देने ही वाला हूं 5 मिनट का. तो ऑन ऑर्डर इधर इधर कथा कहने वाले बाबा जी इधर हैं, तो उनकी वजह से मिल रहा है ना, तो तुम इधर ही देखो अभी, प्रसाद पे बिल्कुल नहीं. सो ऑन ऑर्डर होना चाहिए. ओके, ऑन डिमांड भी हो सकता है. सेविंग बैंक अकाउंट में अपन कभी भी जाके बैंक में खड़े हो जाओ तो मांग सकते हैं कि नहीं पैसे. ऐसे ही अगर मैं प्रॉमिसरी नोट में ये ना लिखूं कि कब पे करना है, तो तू जिस दिन आके खड़ा हो जाएगा उसी दिन पे करना पड़ेगा. ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस दिन आके खड़ा हो जाऊं उसी दिन पे करना पड़ेगा. तो जिस दिन आके खड़ा हो जाऊं और तुमसे पेमेंट ले जाऊं उसको क्या कहते हैं? ऑन डिमांड. हेलो, एक होता है ऑन ऑर्डर, एक होता है ऑन डिमांड, और एक होता है बेरर. मैंने नाम ही नहीं लिखा, जो वो कागज का टुकड़ा लेके आएगा मैं उसको पेमेंट करूंगा. तुम्हारे हाथ से गिर गया, किसी ने रस्ते में उठा लिया, वो लेके आया तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, उसको कहते हैं बेरर. बेरर का मतलब, बेरर का मतलब जो चाहे वो, दैट इज कॉल्ड बेरर. स्टैंप तो होता ही है. हाँ बोलो बेटा, क्या? चेक, चेक जो है वो पेबल, अरे हाँ उल्टा लिख दिया अपन ने, चेक पेबल ऑन डिमांड ही होता है. अरे हमने कुछ गलत लिख दिया शायद, कहाँ गया ये चेक? अपन ने डिमांड में क्या लिखा है भाई साहब? चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन, चेक कैन नॉट बी सेड ऑन ऑर्डर. तो रहता है, डिमांड ही होता है, बेरर भी होता है, तीनों होता है. चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है. हेलो, हाँ 12वीं चीज डाल लो, टाइम इंस्ट्रूमेंट. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता. टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी मैच्योरिटी हो. सर क्या बोलो, क्या चेक पे डेट डालते हैं उसके बाद 3 महीने तक वैलिड रहता है? वो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बोला कि 3 महीने बाद चेक इनवैलिड है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने नहीं बोला, वो बैंक ने बोला. हाँ, तो इधर बहुत क्लियर भाई साहब, इन 12 चीजों को सजा के रख लेना, किसी किताब में नहीं मिलेंगी. कितनी हो गई? हाँ जो भी हैं, जितनी भी हैं, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी. पहले आप लिख के रख लो इनको सबको. क्या आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई? आप टेबल बना के तीनों में अंतर करना ही नहीं है, हमको सब मालूम है. 15 अंतर मालूम है तीनों में, और 15 सिमिलरिटी मालूम है. भाई कितनी सिमिलरिटी, कितने डिफरेंस है, वी ऑल नो. अभी पढ़ लेंगे अपन डिफरेंस. अब अपन लेते हैं सिर्फ एक 5 मिनट का ब्रेक, उसमें आपको एक को कुछ रिफ्रेशमेंट दे रहा है, फिर वो चले जाते तो मैंने अभी बुला लिया, फिर अपन 2 घंटे का एक सेशन पूरा लेंगे. गॉट इट? समझ में आ रहा है? कोई टीचर आने वाला नहीं है अब तुमको बचाने की, चलो इसका लेक्चर खत्म हो गया अब खत्री सर आएंगे. नो बड़ी, आज मैं ही हूँ बस. तो आज तुम्हें मुझसे, मेरे ताप से कोई भी नहीं बचा सकता है. आज तुमको मुझसे बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं, और मुझे बचाने ही नहीं. चलो, तो ये हो गया अपना फटाफट. अब भाई लोग
मेरे बच्चों, भुवनेश बांट दो बेटा, बांट दो, तुम्हारी अलग रख लेना चारों। आ गए सब? अब सब आ गए? तो भेज दी सबको ये वाली मीटिंग की लिंक, भेज दी ना सबको। आ जाएंगे, आ जाएंगे। चलिए चल रही कि नहीं रिकॉर्डिंग? नाउ कुछ और रिफाइनमेंट लेकर के आएंगे। प्रॉमिसरी नोट ऑन डिमांड के अंदर आप बेरर इश्यू नहीं कर सकते हो, बेरर ऑन डिमांड नहीं कर सकते हो, डिमांड नहीं कर सकते हो, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी अपन ने बहुत प्रिलिमिनरी तरीके से चीजों को देखा, तो अब बात करते हैं वापस। आइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टेबल टू बेरर का क्या मतलब है? बातेबान, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टेबल टू बियरर का क्या मतलब है? सर, टेबल टू बियरर का मतलब है व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, दैट इज पे बियरर। अगर उस पर लिख दिया है कि वाहक को पेमेंट करो, तो फिर जो भी आएगा उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर मैंने तो बनाया था कि पे टू लक्ष्य और ऑन हिज ऑर्डर, और लक्ष्य ने लिख दिया पे टू बेरर। हेलो, ओ भाई सुन लो, ये कहां से आ रहे हैं सब लोग? एसी चालू नहीं है क्या? और वो वाला बंद है? चलिए, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर तब होता है जब आप उसे पे टू बेरर करते हो, या फिर आप जो लास्ट एंडोर्समेंट करते हो वो लास्ट एंडोर्समेंट क्या कर देते हो? ब्लैंक कर देते हो। दो तरीके से आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बैरर बना सकते हो, या तो डायरेक्ट, यानी आपने लिख दिया पे टू बैरर, हेलो, या आप उसे बना सकते हो एंडोर्समेंट ब्लैंक करके।
इंडोर्समेंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें लिखा पे टू लक्ष्य और ऑन इज ऑर्डर, ये क्या था? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था कि बेरर? ऑर्डर था ये, इसमें कहां बेरर है, ये तो ऑर्डर है। उसने इस ऑर्डर को क्या बना डाला? उसने इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे क्या लिख दिया? पे टू बेरर। तो वही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसमें कन्वर्ट हो गया? तो या तो एक इंस्ट्रूमेंट शुरू से ही क्या होता है बेरर, या फिर आप इंडोर्समेंट इन ब्लैंक कर दो तो भी क्या हो जाता है बेरर। समझ में आ गया? एक इंस्ट्रूमेंट बेरर इंस्ट्रूमेंट किन कंडीशंस में होता है? दो कंडीशन में, या तो पहले से ही लिखाओ कि पे टू बेरर, या फिर लिखाओ वहां लिखाओ पे टू ऑर्डर, पे टू पर्सन और ऑन हिज ऑर्डर, और जो ऑर्डर देने वाला है वो ऑर्डर किसको दे दे? बेरर को। तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है? बेरर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है payable to order when it is expressed to be so payable and when it is expressed to be payable to a specific person and does not contain word prohibiting its transfer. तो वो क्या कहलाता है? जैसे pay to a or on his order, या लिखा है pay to the order of a, या लिखा है pay to a, ये तीनों क्या कहलाएंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और अगर लिखा है पे टू ए और बेरर तो क्या कहलाएगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। और पे द बेरर तो क्या कहलाएगा? बेरर इंस्ट्रूमेंट। एनी डाउट? तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेकर कौन होता है ये समझ में आ गया, पेई कौन होता है ये समझ में आ गया। प्रॉमिसरी नोट के इसेंशियल आपको घर पे पढ़ना है। बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, आज आपको घर जाके पढ़ना है। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको घर जाके फिर से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रॉमिसरी नोट की, तो प्रॉमिसरी नोट के बारे में और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पहले दोनों के बारे में अंतर देख लें। वैसे अपन देख चुके हैं यहाँ दो पार्टियाँ होती हैं, यहाँ तीन पार्टियाँ होती हैं। एनी डाउट? अच्छा, इसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, इसमें अनकंडीशनल, इट डज नॉट रिक्वायर, क्योंकि आदमी खुद ही प्रॉमिस कर रहा है तो मैं खुद से थोड़ी एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए होता है? इन केस द लाइबिलिटी ऑफ मेकर प्रॉमिसरी नोट प्राइमरीली एंड एब्सोल्यूट, ये लाइबिलिटी अकेले की होती है। लेकिन वहां पहली लाइबिलिटी होती है किसकी? एक्सेप्टर की। और एक्सेप्टर ने अगर पे नहीं किया तो फिर ये लाइबिलिटी उठ के आ जाती है ड्रॉवर पे। मैंने बोला हे लक्ष्य अभिराज को 50,000 रुपए देने का पेमेंट करो, एक्सेप्ट करोगे तुम अभिराज को 50,000 रुपये दोगे, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो पहली लाइबिलिटी किसकी है? उसकी। लक्ष्य खुश हो गया, लक्ष्य को मैं क्यों 50,000 दे रहा हूं? क्योंकि मैंने लक्ष्य से माल खरीदा है। मैंने अभिराज से माल खरीदा है, कितने का? 5,00,000। मुझे 5,00,000 देने किसको? अभिराज को। और मुझसे माल खरीदा है किसने? लक्ष्य ने। मेरे को उससे पैसे लेना है तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि 3 महीने बाद इसको भुगतान कर देना। उसने कहा हो सर कर दूंगा। तो इस भुगतान की पहली लाइबिलिटी किसकी है? उसकी। वो नहीं करेगा तो मेरी। हेलो, वो नहीं करेगा तो मेरी। और अगर मैं ही उसको लिख के देता मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने का वचन देता हूं तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। हेलो, इसलिए कहा गया इट इज जनरली इन केस ऑफ लाइबिलिटी ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेकेंडरीली लाइबल। हेलो, ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन? मैंने ड्रॉ किया।
अरे वो मैंने ड्रॉ किया तो मैं कौन? ड्रॉवर। जिस पे ड्रॉ किया वो कौन, और जिसे पे करना था वो कौन? इज दैट क्लियर? तो ये हूं मैं, ये है लक्ष्य और यह है अभिराज। मैंने इससे माल खरीदा, मुझे इसको पेमेंट देना है। मैंने इसको माल बेचा, इससे मुझे पेमेंट लेना है। मैंने कहा तू इसको कर दे, तो मैंने इसको ऑर्डर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? बिल। अब इस बिल के लिए सबसे पहले लायबल कौन और फिर कौन? तो फिर मेरी लायबिलिटी सेकेंडरी हुई कि प्राइमरी? सेकेंडरी। हेलो। द मेकर सेंड्स एन इमीडिएट रिलेशनशिप विद पेई एंड दस पेई कैन डिमांड पेमेंट फ्रॉम मेकर। इन दिस केस एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर्स इमीडिएट रिलेशनशिप। हेलो। ड्रॉअर्स इमीडिएट रिलेशनशिप इज विद द एक्सेप्टर एंड नॉट विद द पेई। पेई से इमीडिएट रिलेशनशिप नहीं होती है। एंड दस द पेई कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम ड्रॉवर डायरेक्टली। मतलब अभिराज आके मुझसे पेमेंट नहीं मांग सकता, वो किससे मांगेगा? उससे। इट नेवर बी मेड पेबल टू, क्या लिखा? क्या लिखा? प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेड बेरर। कैसा भी ऑन डिमांड टाइम डजेंट मैटर, बेरर तो देना ही नहीं है। इट कैन बी मेड बेरर बट कैन नॉट बी पेबल टू बेरर ऑन डिमांड। ये क्या है साला? देखो बेटा, एक लड़का है, वो इंग्लिश मीडियम वाला भी है, चश्मा भी लगाता है और गोरा भी है। अब वो ये नहीं कह सकता कि आप कोई एक बात बताओ, या तो मैं लड़का हूं, या तो मैं चश्मे वाला हूं, या तो मैं गोरा हूं। मैं बोलूंगा तू तीनों है, क्योंकि तीनों गुण तेरे में। हेलो। फिर से समझते हैं। अब मैंने एक बिल बनाया, ध्यान देना सब लोग। अब मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं, जरा टाइप्स पे चलते हैं। जब तक क्लियर कट नहीं होगा तब तक अपन आगे ही नहीं बढ़ेंगे। पहचानना कि क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा आई असीम त्रिवेदी प्रॉमिस टू पे अभिराज रुपीस 1 लाख ऑन 15/5/2024, और यहाँ मैंने कर दिए साइन, और यहाँ डेट वेट सब डाल दी। ये प्रॉमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज? अच्छा, ये प्रॉमिसरी नोट डिमांड नोट है कि टाइम? टाइम, क्योंकि ये टाइम पर ही खत्म होगा, ये डिमांड नहीं। अच्छा, ये बेरर है कि ऑर्डर? ऑर्डर, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? मतलब ये हो गया है एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो क्या है, टाइम रखता है। आगे बढ़ू ही नहीं मैं तो। प्रॉमिसरी नोट है, समझ में आया? ऑर्डर क्यों है, टाइम क्यों है? अब मैं यहां से एक काम करता हूं, अभिराज हटाता हूं। तो ये हो गया प्रॉमिसरी नोट बियरर, जिसका नाम डाल लो वो, और क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां नाम डाल देता हूं अभिराज, और यहां से हटा देता हूं टाइम। तो अभी हो गया प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर एंड डिमांड। आगे बढ़ू। फिर आया प्रॉमिसरी नोट, जिसमें ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। बेरर हो गया
और ऑन। अब मुझे बताओ कौन कौन से प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं किए जा सकते, ना ये किया जा सकता है ना ये। बेयरर प्रॉमिसरी नोट इशू, एनी डाउट, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जल्दीबाजी नहीं है, खत्म करने नहीं बुलाया, पढ़ाने बुलाया है, है ना। और वैसे भी एक महीने खिसक ही जाएगी, 15 दिन तो खिसकेगी तुम्हारी कम से कम। एग्ज़ाम चुनाव आ गए ना, पहले इंटर की होगी, फाइनल की होगी, फिर तुम्हारा नंबर लगेगा, तो अभी रुको तुम। चलिए अभी पहले इंटर फाइनल के तो ठिकाने पड़े, फिर तुम्हारी आएगी। आओ, ये दोनों क्यों नहीं कर सकते? आरबीआई ने मना किया है। हाँ वही, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन बोलेगा। चलें आगे। अभी सुनो, अगर मैं इसको चेंज करूं, बच्चों आराम से, डियर लक्ष्य, प्लीज पे अभिराज और ऑन हिज ऑर्डर ₹5,00,000 ऑन 15 मई 2024, और तू और अभिराज ने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्टेड। लक्ष्य ने क्या कर दिया, एक्सेप्टेड। और मैंने क्या किया, तो मैं हो गया कौन, और ये कौन हो गया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया, और ये कौन है, कोई दिक्कत, डेट स्टैम्प सब लगा रहेगा, वो अपन फालतू की बात में नहीं पड़ रहे हैं। अब बताओ, ये इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये डिमांड है कि टाइम है, और ये ऑर्डर है कि बेरर है। तो ये एक तो ऑर्डर है और दूसरा किस पर है, टाइम। एनी डाउट्स? चलो अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभिराज को, तो ये क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऑर्डर है लेकिन बेरर है, सॉरी बेरर है लेकिन टाइम पे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अभिराज, लेकिन मैं यहाँ से हटा देता हूँ टाइम, तो अब ये क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर पे है और डिमांड पे है। एनी डाउट्स? अब मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, अब ये क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर भी हो गया। और जल्दी से बताओ कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्या ये अलाउड है, क्या ये अलाउड है, क्या ये अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। धीरे धीरे ताश के पत्तों का महल धीरे धीरे ही खड़ा होगा, गचर बचर खा नहीं सकते इसको, निपट जाएंगे नहीं तो अपन भयंकर तरीके से, क्योंकि ये अपने से क्वेश्चन में अगर लिख दिया प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, तो अपने को मालूम होना चाहिए क्या लिखा होगा उसमें। ओ बाबू, अरे ऑनलाइन वालों, क्या हुआ भैया, जिंदा हो? प्लेस लिखना जरूरी है, हाँ, डेट लिखना जरूरी है, हाँ, साइन करना जरूरी है, हाँ, प्लेस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये सब इनवैलिड नहीं हो जाएगा प्लेस से, पर साइन जरूर करियो। चलिए अभी आगे बढ़ूं,
और अभ्यास समझ में आया क्या? चेक भी बताऊं क्या? आना पड़ेगा ना। अरे चेक पे आना पड़ेगा। चेक में क्या होता है? पे ऑर्डर होता है सीधे किसको? बैंक को। बैंक प्लीज लगवाती है। पहले वर्ड में लिखवाती है, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे साइन, और यहाँ बैंक का नाम होता है, मतलब ऑलरेडी एक्सेप्टेड ही है वो, तो एक्सेप्टेंस कराने की ज़रूरत ही नहीं होती। चेक नंबर भी होता है। हेलो, यहाँ लिखा था प्लीज़ पे और ऑन हिज ऑर्डर, है ना? अब मैंने लिख दिया प्लीज़ पे टू अभिराज और ऑर्डर काट दिया और यहाँ डेट डाल दी। हेलो, क्या मैं चेक पे लिख सकता हूँ इतनी दिनांक को पे करना? कभी देखा किसी चेक में ऐसा लिखा हुआ, इस दिनांक को पे करना? इसलिए बोला जाता है कि चेक जो होता है वो हमेशा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? डिमांड, जो ऑर्डर पे भी हो सकता है और जो बेरर पे भी हो सकता है। क्या ऑर्डर पर, सॉरी, डिमांड ऑर्डर पर भी हो सकता है, डिमांड बेरर पर भी हो सकता है। क्या टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है चेक? टाइम ऑर्डर पे या टाइम डिमांड, टाइम ऑर्डर पे या टाइम बेरर पे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कौन कौन क्या क्या नहीं हो सकता है मालूम पड़ गया? आओ एक बार फाइनली, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है? ऑन डिमांड, एक मिनट रुको। हे भगवान, एक लिखते हैं डिमांड एंड ऑर्डर, डिमांड एंड बेरर, टाइम एंड ऑर्डर, टाइम एंड बेरर। पहले चारों क्लियर कर लो भैया, तुम्हारे दिमाग में ये चारों मालूम है कि नहीं अपने को क्या है? जिराफ, क्लियर है? जवाब देना मेरे को। क्या प्रॉमिसरी नोट डिमांड और डिमांड पे और ऑर्डर पे हो सकता है? हाँ। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड और ऑर्डर पे हो सकता है? ऑर्डर तो हमेशा ही होता है, डिमांड पे भी हो सकता है। क्या चेक डिमांड एंड ऑर्डर पे हो सकता है? तीनों हो सकते हैं। क्या डिमांड एंड बेरर हो सकता है प्रॉमिसरी नोट? क्या डिमांड एंड बेरर हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज? बेरर ऑन डिमांड कहाँ हो सकता है? अरे यार अभी पढ़ा है यार, कैसे कर रहा हूँ। क्या चेक हो सकता है डिमांड एंड बेरर? क्या टाइम एंड ऑर्डर हो सकता है? क्या टाइम एंड ऑर्डर हो सकता है? क्या टाइम एंड ऑर्डर हो सकता है? क्या टाइम एंड बेरर हो सकता है? बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है क्या? टाइम एंड बेरर हो सकता है ना, प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता। हाँ गलती कर दी ना, देखो गलत बात। मेरे तो आंखें ही नहीं खुल रही, रात को मैं एक पूरी वेब सीरीज देख के सोया था। तेरी भी यहां बनेगी सीरीज अटेम्प्ट की, रुक तो सही। सीजन वन, सीजन टू सब बनेंगे बेटा, नए नए बच्चे तेरे से सीखेंगे कि भैया आपने जो गलती की वो हमको बता दो, हम नहीं करेंगे। भैया तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लड़कियां देख। भैया चलो बना ली टेबल सभी ने? अरे बन गई, चलो
आगे बढ़े, शेयर कर दो ना यार, सर भला हो जाएगा आपका यार, स्वाभिमानी बनो, भीख क्या मांगते हो ना लायक को, लिखो। ये सब क्या होता है, ये लाड़ प्यार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो उस वक्त से पढ़ा रहा हूं जब बोर्ड पे लिख दिया और मिटा दिया, तो आदमी ये भी नहीं बोल सकता था कि सर फिर लिख दो। हमको ऐसे बच्चों को तक को पढ़ाने की आदत है जो अगर एक दिन नहीं आया तो अगले दिन वो आके तार तम में जमा के पढ़ लेगा, क्योंकि रिकवरी तो मिलनी नहीं है उसको। तुमको साला जितना लाड़ प्यार करते जा रहे तुम उतने कमजोर होते जा रहे हो, बैसाखियां पे बैसाखियां पकड़ाए जा रहे तुमको। और ये भी दे दो, ये लिखा हुआ भी दे दो, आपने जो पढ़ाया वो रिकॉर्डेड भी दे दो, क्या करेगा? हाँ, टेबल पे लात रखूंगा और आपको ऑन करूंगा और उसके बाद आपको 1x 2x पे नचाऊंगा। असीम त्रिवेदी, रुक जा मेरी बेबी का, वो आया अभी व्हाट्सएप, पहले देख लू। ओके बेबी बाय, चल त्रिवेदी चालू हो जा। तो मैं इसलिए थोड़े बना हूं यार। हेलो, हाँ मैं, आप बताओ मेरे को और नाटा सर को इस उम्र में क्या चाहिए? सिर्फ आपकी सिंसियरिटी, आपकी मेहनत और आपकी इज्जत। पैसा तो आ ही रहा है, पहले भी आया अब भी आ गया, हम घर पे भी बैठ सकते हैं। तो आप जब तक आप प्यार दे रहे हो तब तक यहाँ आके पढ़ा रहे हैं, जिस दिन आप बोलोगे डोकरों से नहीं पढ़ना उस दिन छोड़ देंगे। सिंपल सी बात, पैसे के लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ के। चलिए, सो क्लियर, इसलिए लाड़ प्यार मैं करता नहीं हूँ, ये भी दे दूंगा बेटा ये भी, और तू देख तेरे घर आके पढ़ा दू, नहीं हो पाएगा। हमने ऐसे बच्चों के साथ अन्याय कर दिया क्या, जो बोर्ड पे लिखते थे मिटा देते थे, उसके अंदर नहीं लिखा तो नहीं लिखा, आदमी भयंकर अटेंटिव रहता था। अब तो क्या बोले, तू बेबी अपन बात कर लेते, ये तो जो लिख रहा है इसका फोटो खींच लेंगे, तो फिर खत्म, कल देख लेंगे। चलो नेक्स्ट, अरे बेहतरीन काम हो गया भाई सब। अब अपने को तीनों के बारे में अंतर समझ में आ गया, अभी और एक अंतर है। इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन सेक्स, अब वो अपने को क्या अपने मॉड्यूल में दिया ही नहीं, अपने मॉड्यूल में क्या आधी चीजें तो गायब ही कर दी, हाथी के दांत टाइप दे दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अब इन सेट्स फ्रॉम जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो सेट्स में भी हो सकते हैं कि एक इस महीने, एक अगले महीने, एक आगे, ऐसे पार्ट में, तो क्या ठीक है आप इसको नहीं भी लेके आओगे तो चलेगा। इन दिस केस नो प्रोटेस्ट इज रिक्वायर्ड, भाई अगर कुछ डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग प्रोटेस्टिंग में यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ रिक्वायर्ड होता है। In this case, no question of conditional acceptance as promissory notes are not required to be accepted. In this case, there can be conditional acceptance, conditional हो सकती है, order conditional नहीं हो सकता। ओए ध्यान रखना, acceptance conditional, लेकिन order conditional, is that clear? ठीक है, वो आपको इतना पूछेगा नहीं क्योंकि उसने दिया ही नहीं है, तो मैंने दे दिया extra. Check अपन ने पढ़ी लिया। और चेक की डेफिनेशन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन, ओए मतलब ये टाइम इंस्ट्रूमेंट कभी बन ही नहीं सकता। एवरीवन, पार्टी टू द चेक, ड्रॉवर ड्रॉई पे ही, सेम टू सेम, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेक आपको पढ़ना है। आओ अब चलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, और दो बेहतरीन टाइप आपके सामने आते हैं। पहले का नाम है और दूसरे का नाम है, और अपन ने एक बेहतरीन तरीका याद किया था, याद करो। आओ इनको एक ही बार में समझा देते हैं, अपन ने तो खूब माथापच्ची करी थी, इनको डायरेक्ट समझाते हैं। बाबू, सबसे पहले है ड्रॉन इन, दूसरा है ड्रॉन अपॉन, तीसरा है पेबल इन। हिसाब से लगा लो यार, तुम थोड़े दिन पहले देखा था अपन सबने,
अभी रिपीटर बैच में जो पुराने बच्चे हैं जरा इधर आए। तीन चीजें हैं, ड्रॉन इन, ड्रॉन अपॉन, पेन। अब अगर मैंने एक बिल इंडिया में लिखा, इंडियन पर ही ड्रॉ किया और इंडिया में ही पेबल, रुको अभी अपन रिजल्ट निकालेंगे आराम से। ड्रॉन कहाँ है, ड्रॉन अपॉन कहाँ है, पेबल कहाँ है, ड्रॉन कहाँ है, अपॉन कहाँ है, पेबल कहाँ है, फिर आते हैं, ड्रॉन कहाँ है, ड्रॉन अपॉन, पेबल इन, ड्रॉन अपॉन, पेबल इन, पेबल इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन फॉरेन, पेबल इन, फिर ड्रॉन इन, ड्रॉन अपॉन एंड पेबल ऑल्सो इन। मॉड्यूल के हिसाब से देख लो तो खत्म ही हो जाओ। पहले बना लूँ फिर बात करेंगे। चले हाँ लिख लो पहले फिर बात करते हैं। हाँ जी आगे बढ़े, चलिए आइए अब देखते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं। इनलैंड यानी देसी। आ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन, ड्रॉन और मेड इन इंडिया पहली बात, एंड पेबल इन और अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन शैल बी डीम्ड टू बी, तो कितनी कंडीशन चाहिए अपने को, एक मिनट, पहला ड्रॉन और मेड का होना चाहिए, ये तो बहुत ही इसेंशियल कंडीशन होगी, ये तो पहली कंडीशन है जो बहुत ही इसेंशियल है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। दूसरे में एंड पेबल इन और अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पेबल इन इंडिया और अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया,
टेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन, टेबल इन इंडिया भी हो सकता है और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया भी हो सकता है। एक मिनट, तो अपन ने क्या कंडीशन रखी? ड्रॉन इन, अभी ध्यान से, ड्रॉन इन ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन एंड पेबल ऑल्सो इन, इज दैट क्लियर? तो इसको क्या होना चाहिए? इन लैंड इंस्ट्रूमेंट। हेलो, टेबल ड्रॉ कहा हुआ, लेकिन ड्रॉन अपॉन अ पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब बंदा फॉरेन का है, जॉन। अरे भाई साहब, राम ने मुंबई से जॉन को यूएस में आदेश दिया कि शाम को इंडिया में पेमेंट कर देना। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि कोई दो चीज इंडियन चाहिए, कोई दो चीज नहीं, पहली तो इंडियन चाहिए इन दोनों में से। बाबू, फिर से राम ऑफ इंडिया ने क्या किया? ड्रॉ किसको? रुको, अभी आराम से, जल्दीबाजी नहीं। श्याम ऑफ इंडिया को कि तुम पे कर देना रमेश ऑफ इंडिया को, तो कौन सा बिल हुआ? इनलैंड, इंग्लैंड नहीं, इनलैंड बिल। ओके, राम ऑफ इंडिया, जॉन ऑफ यूएस, रमेश ऑफ इंडिया को पे कर देना कौन सा बिल? ये भी दोनों इनलैंड बिल हो गए। अरे हुए कि नहीं? अगला, राम ऑफ इंडिया प्लस जॉन ऑफ यूएस, देन मैक्स ऑफ यूके, ये क्या हो गया? और जहां यहां तीनों जगह आया फॉरेन फॉरेन फॉरेन, तो ये तीनों ही क्या हो गए? काम ही खत्म, फिर देखने ही नहीं बाकी दो में क्या हुआ, क्योंकि फॉरेन बिल की पहली कंडीशन क्या है? द टर्म फॉरेन बिल इज डिफाइंड इन सेक्शन 12 विच स्टेट्स दैट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज नॉट एन। हेलो, कैसा है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? क्या है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए कंडीशन क्या चाहिए थी? An instrument which is and also payable in, an instrument which is drawn in or any person resident in, whether payable in or, तो बस इनके अलावा जो भी बिल हुए वो कौन से हो गए? Foreign bill के लिए अपन ने एक condition बहुत clearly ले ली थी कि जो यही पूरी नहीं करे वो inland bill है ही नहीं। अरे यार बाबू, यार तुम, यार यहाँ देखो यार, तुम यार इसकी 12 बजे हूँ, तुम देख नहीं रहे और मुंह बना रहे हो। देखो यार, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इसके बाद ही इनलैंड होता है। अब अपन कह रहे ड्रॉन इन, तो अपने आप में ही क्या हो जाएगा? बातें खत्म होंगी। हेलो,
अच्छा ये बताओ ये क्या है? ए ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज टू बी अ मर्चेंट रिसाइडिंग इन, इट वॉज ऑल्सो पेबल इन, तो दो फॉरेन आ गए, फॉरेन बिल हो गया। ए ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज इन, फॉरेन बिल ही हो गया, होता सीधा ही। अच्छा ए अ रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़ ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज इन ऑन बी ऑफ मर्चेंट इन एंड बी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल इन, तो अपने आप ही क्या हो गया, इंडियन बिल हो गया। गॉट इट? गुड। तो इनलैंड बिल फॉरेन बिल समझ में आ ही गया, बेरर इंस्ट्रूमेंट पहले ही पढ़ा चुका। ओ भाई साहब इतनी देर से वही पढ़ा रहा था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा ही चुका। ओ भाई साहब इतनी देर से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ा रहा था, इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। ओ भाई साहब इतनी देर से डिमांड पे ही पढ़ा रहा था, टाइम इंस्ट्रूमेंट। भाई साहब इतनी देर से टाइम इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ा रहा था, आया हो तुम तो एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट और एनकोट इंस्ट्रूमेंट। What do you mean by ambiguous instrument and what do you mean by encode instrument? सर ईमानदारी से बता, आपको इतनी देर तक झेलने की आदत नहीं है, डालो क्योंकि इंटर में 150 नहीं 200 नंबर का मैं ही हूँ पूरे 600 में से, तो वो एक तिहाई तो मैं ही खा जाता हूँ, और फाइनल में भी 200 नंबर का हूँ, एक तिहाई मैं ही खा जाता हूँ, तो तुमको मेरे से तो पीछे छूटने ही चाहिए, तो आदत डाल लो। अरे पर डाल लेंगे अभी, हम छोटा बच्चा है, टेंशन मत लो, अभी आदत नहीं डाली तो बड़े हो जाओगे यहीं फाउंडेशन में ही। चलिए एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट क्या है? एम्बिगस का मतलब होता है गलत सलत, अधूरा अधूरा। कैसा होता है कि जो समझ नहीं पड़े वो एम्बिगस, जो इल्यूजरी हो, जो क्लियर क्लियर ना हो, जो सर्टन सर्टन ना हो, जो स्पष्ट स्पष्ट ना हो, जो अनक्लियर अनक्लियर हो, जो फॉगी फॉगी हो, उसको आप क्या बोलते हो? एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। हेलो, द टर्म एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एज पर दिस सेक्शन एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज इन फॉर्म सच दैट इट मे आइदर बी ट्रीटेड एज प्रॉमिसरी नोट और मे बी ट्रीटेड एज, चाहो तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाऊं, चाहो तो मैं प्रॉमिसरी नोट। सर पीडीएफ सेंड प्लीज। अक्षय कुमार ब्रैकेट में एक्टर, पहले मां बाप के दिए हुए नाम की तो इज्जत कर ले, फिर मेरे से पूछना कि पीडीएफ भेज नाउ। हाँ खुद का नाम में शर्म आ रही है, तो अक्षय कुमार ब्रैकेट में एक्टर। चलिए बढ़िया है, नहीं भेजता जा अमिताभ बच्चन। चलिए नाउ सो द टर्म एम्बिगस मतलब, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि भाई साहब एज पर दिस सेक्शन एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इन फॉर्म सच एज दैट इट मे बी आइदर ट्रीटेड एज प्रोमिसरी नोट और मे बी ट्रीटेड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन सच केस होल्डर भाई साहब ये दिख रहा है भयंकर है ये होल्डर, अभी पढ़ते हैं इसको बंद रुको। होल्डर में आइदर ट्रीटेड एज अ और इट मे बी ट्रीटेड अ वंस ही एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ही इज बाउंड बाय इट। तूने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज मान लिया तो फिर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान, तूने अगर प्रॉमिसरी नोट मान लिया तो फिर तू प्रॉमिसरी नोट मान, रिवर्स नहीं होगा।
हेलो। हाँ, ऐसा नहीं कि गेम हारते गए तो एकदम वापस वही वही वही। हेलो। हाँ, गर्मी की छुट्टी में तुम ताश खेलते टाइम ट्रम्प बदल देते थे। पहले बोलते थे ईंट ईंट, फिर लाल पान। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। सो खैर, आप लोग ताश कहाँ खेलते थे? आप लोग तो पबजी खेलते थे। हाँ, बढ़िया। सर, हमें मोक्ष प्राप्त हो चुका है। हम ये अबजी पबजी से बहुत ऊपर हैं। बहुत ही बढ़िया है भाई साहब। आओ समझे। एक फर्म बॉम्बे में भी बिजनेस कर रही है और दिल्ली में भी बिजनेस कर रही है। हेलो। एक फर्म बॉम्बे में भी बिजनेस कर रही है और दिल्ली में भी बिजनेस कर रही है। बॉम्बे ब्रांच ने एक चेक, बॉम्बे ब्रांच ने ड्रॉ किया एक प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन बाय द बॉम्बे ब्रांच पेबल इन दिल्ली। खुद ही खुद को प्रॉमिस कर रहे हैं। हेलो। द रीजन फॉर द सेम इज दैट द ड्रॉवर एंड द ड्रॉई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर द सर, ऐसे मत बोला करो। ड्रावर ने ड्राई, रविजीत सर, खत्री सर कहाँ चले गए? उनको लाओ। संडे है आज, वो छुट्टी पे है। आओ रविजीत सर, खत्री सर, दोनों का एक एक प्रतीक ले लिया अपन। तो खत्री सर की तोंद है, चलिए। और रविजीत सर हैं ही है, एक एक प्रतीकात्मक चीज ले लिया अपन। तो रविजीत सर का एक बिजनेस भोपाल में और एक बिजनेस जो है वो दिल्ली में है, और खत्री सर दिल्ली में ही रहते हैं। खत्री सर ने इनको कुछ माल बेचा, इनको पे करना था, तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही ब्रांच से एक प्रॉमिसरी नोट, अपनी ही दूसरी ब्रांच, एक बिल ऑफ एक्सचेंज अपनी ही दूसरी ब्रांच को दे दिया। यानी क्या लिख रहे हैं, डियर दिल्ली ब्रांच, प्लीज पे सुनील खत्री 5 लाख रुपए। साइनिंग रविजीत। डियर दिल्ली ब्रांच, प्लीज पे 5 लाख रुपीज टू खत्री सर। अब खत्री सर गए दिल्ली ब्रांच में, एक्सेप्ट करवा के आए। अगर एक्सेप्ट करवा के आए तो खत्री सर ने इसको क्या कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। और खत्री सर ने कहा इसको एक्सेप्ट कराने की क्या जरूरत है, यहां भी साइन रविजीत के हैं, वहां भी साइन रविजीत के हैं, क्या एक्सेप्ट करना? तो वो क्या हो गया, प्रॉमिसरी। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, सेम ही मान रहे हैं। आप चाहो तो उसे क्या मान लो, प्रॉमिसरी नोट, चाहो तो उसे क्या मान लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हेलो। टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं है तो क्या मैंने इंस्टाग्राम पे डाली? ये सी बात करते हो सलमान भाई। चलिए, एक से एक एक्टर है वहां पे। चलिए। सलमान भाई टेलीग्राम पे डाली थी, अरबाज से पूछ लो कहीं उसने डाउनलोड करके डिलीट तो नहीं कर दी नाउ अरबाज को फुर्सत नहीं अभी। चलिए। एन कोट इंस्ट्रूमेंट। अरे ये इन छोटे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एन कोट है ये। अरे सीढ़ी पे आ जा, कोई पूछने में धक्का दे दूंगा कसम से। हाँ, आके पूछ चुका है एक बच्चे, सर इन छोटे इंस्ट्रूमेंट क्या होते। चलिए। इन कोट इंस्ट्रूमेंट। लक्स बाबू उठ जाओ, भटक जाओगे नहीं तो तुम लक्स से। द टर्म एन कोट इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या,
इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं, सम रिस्पेक्ट, एन इंस्ट्रूमेंट नॉट मेंशनिंग अमाउंट पेबल और नेम ऑफ द पे, अगर आप नहीं देते हो तो इनको हम क्या कहते हैं, एनकोट इंस्ट्रूमेंट। तो सर मतलब हर बेयर इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एनकोट इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, क्योंकि उसमें नाम होता ही नहीं, तो हर एनकोट इंस्ट्रूमेंट बेयरर होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं, नाम हो पैसा नहीं लिखा हो। ओके, आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये अपने? अब हमारे क्लास के ही हो बेटा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लॉ ट्रिक्स करके एक बना रखा है। लॉ ट्रिक्स, चलिए, कुछ लोग तो बोल रहे हम तो इस पे भी नहीं, फिर भी हमको कौन से टेलीग्राम चैनल पे भाई लगी। चलिए नाउ, अमाउंट पेबल या नेम ऑफ द पे दोनों आप खा जाओ तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, अब रुको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंटेन्स लीगल प्रोविजन इन दिस रिगार्ड एज पर सेक्शन, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट इज अ ब्लैंक और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट व्हेन अ पर्सन साइंस एंड डिलीवर इट टू अनदर अ ब्लैंक और इनकम्प्लीट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट ही ऑथोराइजेस द अदर पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट बिकम लायबल इन द कैपेसिटी इन विच ही हैज साइन एनी होल्डर इन ड्यू कोर्ट। अरे ये कौन है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी पढ़ेंगे, रुको अभी अभी आप उसको होल्डर ही मानो। द लाइबिलिटी ऑफ द साइनर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट, पर जितना अमाउंट लिखा है बस वही पेएबल होगा, और अगर अमाउंट नहीं लिखा है और स्टैंप लगे हुए हैं तो जितनी वैल्यू के स्टैंप लगे हुए हैं बस उतना ही पेमेंट होगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? एन कोट इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल ले लो, ए ने 500 रुपए देना थे किसको? बी को। ही गेव अ स्टैम्प एंड साइंड प्रॉमिसरी नोट टू बी लीविंग ब्लैंक द स्पेस फॉर द अमाउंट एंड बी फेल्ड इन द स्पेस लेफ्ट टू द अमाउंट। इन दिस केस बी कैन नॉट रिकवर 700 फ्रॉम ए एज बी इज नॉट होल्डर इन, ए कैन रिकवर ओनली, ही कैन रिकवर ओनली 500 विच ए इंटेंडेड टू पे अंडर द इंस्ट्रूमेंट। इफ आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोमिसरी नोट फॉर रुपीज 700 बी ट्रांसफर इट टू सी, सी कौन हो जाएगा? होल्डर इन ड्यू को। सी विल गेट द अमाउंट ऑफ 700। अभी आप रुक जाओ, अभी अपन होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ लें, उसके बाद इस एग्जाम्पल पे वापस आएंगे। आइए, नेगोशिएशन से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा हु इज होल्डर एंड हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। आइए, होल्डर कौन और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन? एक मिनट, मैंने दिया है ना होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स की डेफिनेशन, डालने की कोशिश तो की थी क्योंकि मॉड्यूल में तो नहीं थी, नहीं दी क्या? कोई बात, आप जरा एक बढ़िया सी डेफिनेशन पढ़ लें। जरा बच्चों
होल्डर की डेफिनेशन देख लें पहले, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स की देख लें, और अपना काम बहुत आसान हो जाएगा आगे का। होल्डर कौन है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? 5 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या? कहीं को चाहिए? 1 घंटा हो गया क्या? सही में पढ़ा दूं ना 5 मिनट तक? नहीं, आप एक काम करो, एक वाटर ब्रेक ले लो 5 मिनट का। कुछ लोग ऐसे 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 हो रहे हैं तो वो भी नीचे हो आएंगे। 55 मिनट हुआ ना, कोई बात नहीं, 5 मिनट का ब्रेक, 60 मिनट पूरे। छुट्टी कब होगी? 5:10 पे। Thank you.
चलिए, अब आप लोगों की आंखें खुली हुई हैं। मैंने 2 से 5 का टाइम इसलिए रखा था कि आप लोग आराम से घर से खाना वाना खा के आओगे। मुझे नहीं मालूम था कि एक आदमी बीच में आके रुमाल रख देगा। हाँ आज भारी चढ़ गई, उसको बोला आज मैं भी पढ़ाऊंगा। चलिए, और कौन कर सकता है ऐसी जरूरत? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ना है अपने को। होल्डर, होल्डर किसको कहते हैं? होल्डर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस एनी पर्सन एंटाइटल इन हिज ऑन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ एंड रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम पार्टीज देयर टू। है क्या लिखा है ये? क्या लिखा है बंधु? होल्डर मतलब होल्डर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस पहला क्या चाहिए? पर्सन। पर्सन अकेला नहीं, उसका अधिकार हो उसके नाम में और उसके पास पोजेशन भी हो। और अधिकार क्या हो? कि वो रिसीव और रिकवर कर सके अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। उसको आप क्या बोलोगे? होल्डर। मतलब क्या चाहिए आपको? क्या हो गया बेटा? होल्डर। पहली बात तो पर्सन हो, पर्सन के पास पोजीशन हो, पोजीशन हो एक इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएबल, और वो इंस्ट्रूमेंट उसके नाम में हो और वो एंटाइटल्ड हो पर्सन हो, पोजीशन हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसके नाम में और वो एंटाइटल हो टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट, तो उसे क्या कहा जाएगा? होल्डर। सुनो, ये हूं मैं, ये है लक्ष्य और ये है अभिराज। मैंने एक बिल ड्रॉ किया लक्ष्य पे और लक्ष्य ने वो मुझे एक्सेप्ट करके वापस भेज दिया और मैंने वो ले जाकर किसको दे दिया? अभिराज को। हेलो,
इस वक्त वो अभिराज के पास। पहली बात, अभिराज पर्सन है, मुझे तो लगता है। कभी कभी कुछ लोगों को शक होता है, पर मैं बोलता हूं नहीं, जंतु नहीं है, मनुष्य। गुड, तो अभिराज एक पर्सन है। क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके पजेशन में? हाँ। क्या उसका नाम लिखा हुआ उस पर? हाँ। और क्या नाम के साथ साथ उसे उस पर अमाउंट रिकवर करने का अधिकार है? हाँ। तो भाई बधाई हो, तुम क्या हो? होल्डर हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, लक्ष्य ने एक्सेप्ट कर लिया और मैं अपने ड्रॉवर में उसे रखकर बैठा हूं। क्या अभिराज होल्डर है? क्योंकि अभिराज के पोजीशन में ही नहीं है, तो वो होल्डर कहां से हुआ? हेलो, अब ध्यान से। एक पर्सन जिसके पोजीशन में है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो उसे सड़क पे पड़ा हुआ मिला, और उस पर नाम लिखा हुआ है किसका? अभिराज का। अब उसके पास पोजीशन तो है, वो पर्सन तो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके भी पास है, लेकिन ना उसके नाम में है ना उस पर उसको पैसा मिलने वाला है। तो विल इट बी होल्डर? ही विल बी ओनली पजेसर। पजेसर से होल्डर बनने के लिए राइट चाहिए। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से सुनना। एक पर्सन को बेरर इंस्ट्रूमेंट मिल गया। मैंने लक्ष्य पर बिल लिखा और बिल लिखकर अभिराज को दे दिया कि जाकर लक्ष्य से एक्सेप्टेंस ले लो। हो सकता था, ये भी हो सकता है कि मैं बिल लिख के किसको दे दूं? अभिराज को, कि जाके लक्ष्य से क्या ले लेना? एक्सेप्टेंस। हेलो, क्या कहेंगे फिर इसको? ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। और लक्ष्य ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया वापस? अभिराज को। इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने जब ये चेक अभिराज को दिया, मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज अभिराज को दिया, अभिराज ये चेक लेकर बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जा रहा था, उससे रास्ते में गिर गया और प्रियांशु नाम का एक लंबा सा व्यक्ति है, उसे ये मिल गया। उसने गुड्स ले रखे थे सोहम से। सॉरी, बहुत लपड़ा हो रहा है, इतने लोग क्यों आ गए? इतने ही लोग आएंगे, भीड़ हो गई, भीड़ होने दो, फिर समझते। मैंने एक बिल लिखा लक्ष्य पे और मैंने अभिराज को बोला इसे एक्सेप्ट करवा लेना लक्ष्य से। बिल मिल गया किसको? प्रियांशु को। प्रियांशु गया, मतलब अभिराज ने लक्ष्य से एक्सेप्ट करवा के अपने पास रखा था और गिर गया। गिरने के बाद किसको मिला? प्रियांशु को। गुड्स बेच चुका था कौन? अब प्रियांशु को पैसे देना थे किसको? प्रियांशु ने इस बिल पर अभिराज के सिग्नेचर फोर्ज कर दिए। हेलो,
और फोर्ज सिग्नेचर वाला बिल किसको दे दिया? सोहम को। सोहम ने एब्सोल्यूट गुड फेथ में वो बिल अपने पास रख लिया। सोहम गया किसके पास कि भाई साहब पेमेंट, लक्ष ने पेमेंट कर दिया। हेलो, लक्ष ने पेमेंट कर दिया। अब लक्ष ने क्या समझ के पेमेंट किया कि अभिराज ने इंडोर्स किया है किसको? सोहम को, क्योंकि उस पर हस्ताक्षर किसके थे, तो अभिराज ने करके दिया ये समझा वो तो। हेलो, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, पेमेंट किसने किया? लक्ष ने कर दिया। लक्ष ने अभिराज से बोले भैया आपका पेमेंट हो गया। अभिराज बोले कौन सा? बोले वो बिल का। बोले मैं देखता हूँ, मैं तो बिल लेके ही नहीं आया। बोले भाई साहब बिल का पेमेंट हो गया है, फालतू बातें मत करो आप। क्या सोहम को पेमेंट मिल सकता है? अब जरा सोहम को होल्डर के डेफिनेशन में चेक करते हैं। सोहम के पोजीशन में, हेलो, सोहन के नाम में इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, सोहन के नाम में ही तो है, इंडोर्स कर दिया ना फोर्ज करके। सर देखो लीगली थोड़ी हुआ उसके नाम में, तो भी क्या हुआ उसके नाम में, और दोनों पार्टीज ने एब्सोल्यूट गुड फेथ में एक दूसरे को पेमेंट कर दिया है। तो इसे होल्डर न कह के क्या कहा जाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या कहा जाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो एक हुआ कौन? होल्डर, जिसके नाम में इंस्ट्रूमेंट है। एक होगा कौन? होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो अब सोहम की तरफ से सोच के देखना है ना, फ्रॉम द एंगल ऑफ सोहम। अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज कंसिडरेशन, उसने माल बेचा ना भाई साहब, उसने माल बेचा ना प्रियांशु को, तो फॉर कंसिडरेशन। पहला, सोहम इज हैविंग पोजेशन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन इन हिज नेम बट फोर्ज्ड बाय प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर ने फोर्ज किया था उसको, डिफेक्टिव टाइटल वाला था, लेकिन उसको तो गुड फेथ में ले लिया उसने। उसको क्या मालूम बेचारे को कि ये चोरी किया हुआ है? क्या सोहम को ये मालूम है कि ये बिल चोरी किया हुआ था? बात ही खत्म हो गई ना, जब उसको मालूम ही नहीं है कि चोरी किया हुआ था तो फिर क्यों परेशान होना। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं सबको, अब आप ध्यान से सुनना। ये मैं हूं, मैंने अभिराज से माल खरीदा 5 लाख के, मुझे पेमेंट किसको करना है? अभिराज को। वो माल मैंने बेच दिया किसको? लक्ष्य को, सपोज 5 लाख में। अब मुझे लक्ष्य से कितने लेना है? 5 लाख। तो मैंने कहा लक्ष्य तुम सीधे किसे पेमेंट कर दो? अभिराज को। तो मैंने एक बिल लिखा लक्ष्य पे, लक्ष्य ने एक्सेप्ट करके दे दिया किसको? अभिराज से। ये बिल कहीं खो गया जो किसको मिल गया? प्रियांशु को। प्रियांशु ने 5 लाख का माल ले रखा था किससे? सोहम से। प्रियांशु ने इस बिल में अभिराज, इस बिल को अभिराज के नाम से साइन करके इंडोर्स कर लिया पहले किसके नाम में? सोहम के नाम। हेलो, और सोहम ने ये बिल लेकर कहां पहुंचा गया? और लक्ष्य ने यह सोचकर पेमेंट कर दिया कि हाँ ये बिल इसने इंडोर्स कर दिया होगा अभिराज ने इसको, जबकि अभिराज ने उसको इंडोर्स नहीं किया, बीच में एक चोर ने उठाया और उसको इंडोर्स कर दिया। हेलो, अब ये जो पेमेंट हुआ है ना, ये पेमेंट, इसे कहलाया जाएगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या हो गया है? पेमेंट।
अगर अभिराज को पेमेंट होता तो कहलाता होल्डर को पेमेंट हुआ है, लेकिन अब किसी तीसरे ही व्यक्ति को यह मानते हुए कि अभिराज से वैलिड ट्रांसफर हुआ है जबकि अभिराज से वैलिड ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसे क्या कहा जाएगा? होल्डर इन। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स सोहम हु फॉर कंसिडरेशन बिकम पजेसर और अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बेरर और पेई और एंडोर्सी देयर ऑफ बिफोर द अमाउंट मेंशन बिकम पेबल एंड विदाउट हैविंग सफिशियंट कॉस्ट टू बिलीव दैट डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम ही डिराइव्स इट। उसे किससे प्राप्त हुआ था? प्रियांशु से। प्रियांशु का टाइटल क्या था? डिफेक्टिव। हेलो, उन्होंने डर के मारे ये दोनों डेफिनेशन आपके मॉड्यूल में दी नहीं, दिए क्या? मुझे नहीं लगता दिए। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स दी हुई है डेफिनेशन, मॉड्यूल में नहीं है। हाँ, उसके बारे में बोला तभी तो पढ़ा रहा हूं, नहीं तो पढ़ाता क्यों? नाउ एक मिनट, अब फाइनली होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर की डेफिनेशन पढ़ लें। फाइनली होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ध्यान से है ना, पर्सन चाहिए यहां पे भी, पर्सन चाहिए यहां पे भी, हैविंग पोजीशन चाहिए यहां पे भी, हैविंग पोजीशन चाहिए यहां पे भी, इन हिज नेम चाहिए यहां पे भी, इन हिज नेम चाहिए यहां पे, कंसिडरेशन चाहिए यहां पे भी और कंसिडरेशन चाहिए यहां पे। कंसिडरेशन तो हर ही जगह चाहिएगा ना, कहां वो ऐसा होगा कि आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होगी? कंसिडरेशन तो दोनों जगह चाहिएगा। यहां पर होल्डर हैज लीगल टाइटल, यहां पर होल्डर हैज डिफेक्टिव टाइटल बिकॉज प्रीवियस होल्डर हैज डिफेक्टिव टाइटल। प्रीवियस होल्डर का क्या है? डिफेक्टिव टाइटल है, इसलिए उसका भी टाइटल क्या है? डिफेक्टिव। लेकिन एब्सोल्यूट गुड फेथ था, उसे नहीं मालूम था कि यह क्या है, चुराया हुआ है। हेलो, ही डज नॉट नो कि यह चुराया हुआ है, इसलिए उसे क्या कहा गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को पूरा पेमेंट मिलता है। अब मैंने जो एक चीज आपको वहां छुड़वाई थी उसको यहां पूरी करवाता हूं। इधर होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में आप पढ़ा रहा था और मैंने कहा था ये तो आप, हाँ कहा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में था ना, प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल में था, नाउ चलिए, नाउ ये लीजिए, ये एनकोट इंस्ट्रूमेंट पे
जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा, अब ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ध्यान से, ए ओन करता है 500 रुपए टू बी, मतलब ए को बी को कितने रुपए देने हैं, और वो एक स्टैंप लगाकर साइन करके प्रॉमिसरी नोट दे देता है किसको, और उसमें क्या छोड़ देता है, अमाउंट ब्लैंक छोड़ देता है। बी उसमें कितने भर लेता है, पर बी को 700 नहीं मिलेंगे क्योंकि बी ने 500 का माल बेचा है, तो 500 मिलेंगे। 700 कैसे क्लेम कर सकता है साले, जब तेरे को दिया मैंने 500 के लिए, अरे मैंने तुमसे 500 का माल खरीदा और तुमको प्रॉमिस नहीं नोट लिख के दे दिया, तो तुम क्या मेरे पास 700 लिख के आ सकते हो, भले उस पे स्टैम्प 700 के लगा दिए हो तो भी तुम मुझसे 700, क्योंकि मैंने तुमको बेचा ही कितने में, मतलब मैंने तुमसे 500 का माल खरीदा, मैं तुमको 500 ही दूंगा। पर तुमने क्या किया, इन स्पेस लेफ्ट अमाउंट, ओके, इन दिस केस बी कैन नॉट रिकवर 700 फ्रॉम ए एज बी इज नॉट ओल्डर इन, अच्छा ही कैन रिकवर which A intended to pay under the instrument if after completing the provisioning note for 700, तुम शाने हो, तुमने उसमें कितना भर दिया 700, और तुमको किसी को 700 रुपए देने थे, तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो बेचारा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा, वो तो इसी गुड फेथ में लेके बैठा कि तुमको उससे 700 ही लेने होंगे, इसलिए तुमने मेरे को एंडोर्स कर दिया, तुमको लेने 500 हैं, तुमने उसको बोला नहीं कि 500 ही लेने, पर मैं 700 का बना के दे रहा हूं, तुमने उसको 700 का बना के दिया, उसने प्रिज्यूम कर लिया कि यार 700 का ही आएगा। हेलो, अब बी ने ट्रांसफर कर दिया किसको, सी को, तो सी कौन बन गया, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स सी जो है अगर जाएगा किसके पास, ए के पास, तो उसको कितने देना पड़ेंगे, 700 रुपए देना पड़ेंगे बाबू। होल्डर इन ड्यू कोर्स विल गेट 700 व्हाइल द होल्डर कुड ओनली गेट 700। सारा पवित्र कर देंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में जाते ही, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डिफेक्ट ही क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हेलो, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ए ने एक बेरर चेक बना के दिया बी को 5 लाख रुपए का, बी के हाथ से वो चेक गिर गया, सी ने वो चेक उठा लिया, क्या सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्या सी होल्डर है, ना तो सी होल्डर है ना तो सी होल्डर इन ड्यू कोर्स, इज दैट क्लियर। अब अगर सी अपना नाम लिख के बैंक से पैसे निकाल भी लेता है तो जेल जाएगा, जब पता पड़ेगा तब जाएगा, है ना। लेकिन यह है बहुत शाना, इसने किसी से माल खरीद रखा था कितने का, 5 लाख, इसने उस चेक में किसका नाम लिख दिया, उसका, और उसको दे दिया, उसने बैंक में जाके लगा दिया, बैंक ने उसको पे कर दिया, क्या पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, नहीं, वो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एब्सोल्यूट गुड फेथ में उसने एक बिल ले लिया। हेलो, ए बी से क्लेम नहीं करेगा, अरे वो फिर आपस में लड़ते रहे 200 रुपए तेरे को दे 5, जी वो पैसे लेके गया, आप उससे कुछ क्लेम कर सकते हो क्या, नहीं, वो कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। चलिए अब छोटी सी बात आती है, नेगोशिएशन कैसे होता है, तो एक मिनट, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, उसके बाद पढ़ा बेरर इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट एंड कोन,
इतने इंस्ट्रूमेंट पढ़े, उसके बाद पढ़ा होल्डर, उसके बाद पढ़ा होल्डर इन ड्यू कोर्स, इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं निगोशिएशन या ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएशन कैसे होता है भैया? सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहती है, व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन विद अ व्यू टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन होल्डर देयर ऑफ, किसी को होल्डर बनाने की नियत से आपने क्या दे दिया इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू हैव बीन नेगोशिएटेड, दस देर इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड आइदर बाय डिलीवरी व्हेन दीज आर पेबल टू बेरर, और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी व्हेन दे आर पेबल टू ऑर्डर। यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन दो तरीके से हो सकता है, बेरर इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ डिलीवरी देके और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का। हाँ एक मिनट, बेरर इंस्ट्रूमेंट का कैसे? मात्र डिलीवरी देके, मैंने आपको एक चेक बना के दिया पे टू 5,00,000 और साइन कर दिया, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बेरर इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया बिना नाम लिखे, उसने बिना नाम लिखे किसी और को दे दिया, उसने बिना नाम लिखे किसी और को दे दिया, और ये मेरे पास ही आ गया वापस। हेलो, मैं फाड़ के फेंक दूंगा, काम हो गया। मैं क्या मेरे अकाउंट में मेरा ही चेक लगाऊंगा? कैसे कैसे घूमा चेक? अरे यार, मैंने इनसे माल लिया, इनने इनसे लिया, इनने इनसे लिया, इनने इनसे लिया, मैंने इनसे, इन्होंने मेरे से लिया। ये क्या हुआ? कौन को समझ यार, गधे, इनके नाम दो, रंजन मित्तल, रविजीत खनुजा, सुनील खत्री, दीपक मूलचंदानी, हर्षित द्विवेदी। एक तो इतने लोग हो गए। अब रंजन मित्तल सर ने खत्री रविजीत खनुजा से माल खरीदा था 5,00,000 का, तो चेक दे दिया किसको? रविजीत खनुजा को। रविजीत खनुजा ने हर्षित द्विवेदी से खरीदा था, तो उन्होंने चेक दे दिया किसको? नाम भी चेंज नहीं किया। हर्षित ने यह माल खरीदा था दीपक मूलचंदानी से, हेलो, तो उसने भी बिना नाम लेके माल दे दिया। दीपक मूलचंदानी ने माल खरीदा था किससे? सुनील खत्री से, तो उन्होंने सुनील खत्री को दे दिया, और सुनील खत्री जी ने मेरे से कोई माल खरीदा होगा, तो उन्होंने किसको दे दिया? मुझे। हेलो, इतना घूम के आ गया चेक, अब मैं देख रहा हूं मेरा ही चेक मेरे पास। मैंने कहा खत्री सर आप मेरे को पेमेंट करो यार। खत्री सर ने कहा ये लो। मैंने कहा तो मेरा ही चेक है। बोले हाँ, पीछे चलते जाओ, आपका पेमेंट हो गया, क्योंकि अब आपको अपने आप को ही पैसे देने हैं। अरे पगलों, समझ में आया? अब मेरे को खुद को पैसे दूंगा तो फाड़ के फेंक दूंगा, हो गया काम सब, सबकी बुक्स में एंट्री हो गई, पैसे भी नहीं गए। इसे क्या कहते हैं? नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। एक ने भी नाम नहीं लिखा उसके ऊपर, वो ब्लैंक का ब्लैंक किया गया। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कैसे जाते हैं? डिलीवरी से ही क्या हो जाते हैं? नेगोशिएट हो जाते हैं। हेलो, अब मैंने एक बिल बनाया, मैंने उस बिल पे लिखा अभिराज,
प्लीज पे लक्ष्य और ऑन हिज ऑर्डर ₹5 लाख और नीचे कर दिए साइन। अभिराज ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। हेलो, तो ये मैंने दे दिया किसको कि भाई लक्ष्य लो, मैंने लक्ष्य से 5 लाख का माल लिया था, अभिराज से 5 लाख, अभिराज को 5 लाख का माल बेचा था, मैंने अभिराज पे बिल लेके लक्ष्य को दे दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? लक्ष्य ने किसी से 5 लाख का माल लिखा था लिया था तो उसने क्या किया, इस बिल के पीछे लिखा पे टू प्रियांशु अभिराज, नहीं लक्ष्य। होल्डर कौन था? लक्ष्य। तो लक्ष्य ने क्या कर दिया, आप किसको होल्डर बना दिया? प्रियांशु को। प्रियांशु ने आगे साइन कर दिए पे टू सोहम, यहां प्रियांशु ने साइन कर दिए। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? तो जैसे ये साइन कर करके देते जाओगे तो डिलीवरी भी करनी पड़ेगी प्लस खाली एक से काम नहीं चलेगा, डिलीवरी भी करनी पड़ेगी और एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा। कौन से इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी लगती है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को। बेरर इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ क्या लगता है, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को क्या लगता है? समझ में आ गया? तो नेगोशिएशन कैसे होता है? अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बेरर इज नेगोशिएटेड बाय, एंड प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएटेड बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ। हेलो, तो डिलीवरी भी समझ लिया एंड एंडोर्समेंट भी समझ लिया। ओके, डिलीवरी का नेगोशिएशन में क्या महत्व है? सर, डिलीवरी का भयंकर महत्व है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बने हुए हैं अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो यहीं के बने हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन डिलीवरी के ही बने हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बस 5 मिनट में ये टॉपिक पूरा करके अपन फिर अगली बैठक में टॉपिक पूरा करेंगे। द डिलीवरी मस्ट बी वॉल्यूएंट। किसी ने बंदूक दिखा के चेक ले लिया, बीओई ले लिया, तो उसको डिलीवरी नहीं लूट कहा जाता है। हेलो, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी पास द प्रॉपर्टी। तुम कूरियर बॉय नहीं हो कि जाओ ये चेक लेके उधर दे देना, ऐसा भी नहीं है। मैंने तुमको क्या ट्रांसफर की है? प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं डिलीवर कर रहा हूं। डिलीवरी कैन बी कैसे? तुम्हारे एजेंट को डिलीवरी दी तो भी किसको डिलीवरी दी? तुमको ही डिलीवरी दी। तुम्हारी बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर दिया, मतलब किसको डिलीवरी दी? तुमको दी। ठीक। एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज चेंज हैंड्स फिजिकली। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर थ्रू एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट ऑफ द इंडोर्सी और इन हिज बिहाफ। ठीक है। सेक्शन 46 ऑल्सो लेज डाउन व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पज ओनली द प्रॉपर्टी इट डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी इवन दो इट इज इंडोर्स टू हिम अनलेस द इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड टू होल्डर इन। हाँ ठीक है, मैंने आपको ₹500 तक का कंडीशन लगा के दी थी, सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसमें कुछ कर सकता, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल डिलीवरी रिमेन्स एंड इट इज। मैंने तुम्हारे लिए चेक बना दिया, जब तक तुमको नहीं दिया उसके पहले फाड़ के फेंक सकता हूं। हेलो, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा लिया, अभिराज से हाँ भी करवा ली, लेकिन लक्ष्य को देने के पहले फाड़ के फेंक सकता हूं।
डिलीवरी नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, वो रिवोकेबल भी रहेगा और इनकम्प्लीट भी रहेगा. डिलीवरी इज इसेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग और ड्रॉइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, दोनों जगह डिलीवरी चाहिए. ओके, सो डिलीवरी का मत उन्होंने समझा दिया. राइट इन इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रांसफर टू द एंडोर्सी अनलेस आफ्टर एंडोर्समेंट द सेम हैज बीन डिलीवर. इस पे तो कम से कम 5 क्वेश्चन है. हाँ बताता हूं, याद दिलाता हूं. ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी पे जिसे बी ने एक्सेप्ट करके दे दिया ए को. ए ने वो बिल भेजना था किसको, सी को, लेकिन ए के ड्रॉवर में ही वो बिल पड़ा रह गया और ए मर गया. ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या ये सी जो है वो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मांग कर रहा है कि लाओ लाओ वो मुझको दे दो. अरे क्वेश्चन कितना इजी है, फिर से समझो, फिर से समझो, पहली बार वाले फिर से समझो. ए ने बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट किया, बिल किसके पास पड़ा है, ए के पास. हेलो, ए को इसे देना था किसको, सी को, क्योंकि लिखवाया ही किसके लिए था, सी के लिए. लेकिन सी को बिल जाता उसके पहले ए क्या हो गया, मर गया. हेलो, तो भाई साहब बिल ऑफ एक्सचेंज में इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होती है तब जाके नेगोशिएशन होता है. यहां इंडोर्समेंट तो हो गया था लेकिन क्या नहीं हुई थी, तो नेगोशिएशन, उसके पहले ही कौन मर गया, तो उसे पेमेंट देने की जरूरत, ए के बच्चे को पेमेंट देने की जरूरत, क्योंकि नेगोशिएशन कंप्लीट ही कम से कम 5 क्वेश्चन एज इट इज दिए हुए. हेलो, इफ द पर्सन मेक्स द एंडोर्समेंट बट बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू द एंडोर्सी द एंडोर्सर डाइज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयर ऑफ. इसी पे तो क्वेश्चन दिए हैं मैक्सिमम. जिसने बिल लिखा वही मर गया एक्सेप्ट करवा के, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसको नेगोशिएट नहीं कर सकता. हेलो, कुछ समझ में आया एवरीवन? अच्छा एक बात बताओ, एक बिल, अब बस आखिरी बात है, ये मैं हूं, मैंने एक बिल लिखा अभिराज को कि पेमेंट कर देना किसको, लक्ष्य को, पेमेंट करना 15 मई 2024, और मैं ये बिल मेरे पास वापस आया और मुझसे गुम गया, प्रियांशु ने उठा लिया और 18/5/2024 को उसको एंडोर्स कर दिया सोहम को. हेलो भाई साहब, बिल कब का था, मैच्योर हो चुका है वो, मैच्योर होने के बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता है. हेलो, मैच्योर कब हो, मैच्योर होने के बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता है, उसके पहले ही हो सकता है. गॉट इट? चलो, तो ये था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पहला भाग. अब सेकंड में तो कंप्लीट ही हो जाएगा, सेकंड में तो अपने को क्या करना है, डिलीवरी एंड ट्रांसफर. अब वो कब रखते हैं वो मैं आपको अगले नोटिस पे बताऊंगा.